मैं चंद्रा जी यूट्यूब चैनल पर राकेश कुमार चंद्रवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं और ऑल वीडियोज पर सेट करें, जिससे मैं अगला वीडियो जब भी डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले और आप हमारा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि आर्य वंश और दैत्य वंश नाम का कोई भी वंश नहीं हुआ। हाँ, यह बात सच है कि वंश दो थे उस समय, एक सूर्यवंश और एक चंद्रवंश। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा वंश होता क्या है। जैसे उदाहरण के लिए आप जो इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मैं, मेरे पिताजी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, यह जो सारी प्रक्रिया है यह सब जो वंशावली के अंतर्गत ही आती है, या इसी को हम जो वंशावली कहते हैं, इसी को हम वंश भी कहते हैं। तो जो सबसे प्राचीन जो वंश था जिसको हम कहते हैं सूर्य वंश, इससे पहले कोई वंश नहीं हुआ था। जैसे मैंने उदाहरण के लिए आपको कल ही कुछ नाम बताए थे, आज उसी विषय पर मैं आपसे चर्चा करने आया हूँ। तो जैसे कि ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप और कश्यप की रानी अदिति से विवश्वान सूर्य की उत्पत्ति हुई, इसी से इस वंश का नाम सूर्य वंश पड़ा। विवश्वान के पुत्र हुए मनु, मनु के 10 पुत्र हुए जिनमें इच्छावाकु सबसे बड़े थे। सूर्य वंश को इच्छावाकु वंश के नाम से भी जाना जाता है। मनु ने ही अयोध्या को बसाया था। मनु से लेकर राम तक सूर्यवंशी राजाओं की लंबी अवधि में अनेक राजा हुए, परंतु जो अधिक प्रसिद्ध हुए ऐसे 64 प्रमुख नाम मिलते हैं। सूर्यवंश से बहुत सारी शाखाएं भी बनी, जैसे सूर्यवंश, निमिवंश, निकुंभवंश और नागवंश आदि। और अधिक आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो दे दिया है, आप वहाँ से जाके इस जानकारी को देख सकते हैं, आप चंद्रवंश के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने आपको कल ही बता दिया था, तो ब्रह्मा जी के जो दूसरे पुत्र हुए अग्नि, अग्नि के पुत्र हुए अत्रि और अत्रि की पत्नी अनसुईया का ज्येष्ठ पुत्र सोम अर्थात चंद्र हुआ, जिसके नाम से इस वंश का मूल नाम चंद्रवंश कहलाया या चंद्रवंशी कहलाया। सोम का ज्येष्ठ पुत्र हुआ बुध, जिसका विवाह मनु की पुत्री इला से हुआ। बुध का पुत्र हुआ पुरुवा, जिसकी रानी उर्वशी से आयु नामक पुत्र का जन्म हुआ। आयु का पुत्र हुआ नाहुस, नाहुस के 6 पुत्र हुए, उनमें यायाति राजा हुआ। यायाति की एक रानी शर्मिष्ठा, जो दानवराज बृहस्पतिवा की पुत्री थी, उससे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, पुरु, द्रुहु जिससे द्रुहुवंश चला और अनु जिससे अनुवंश चला। यायाति की दूसरी पत्नी देवयानी, जो शुक्राचार्य की पुत्री थी, उससे 2 पुत्र हुए, यदु, एक यदु जिससे कि यादव वंश चला और दूसरा दुर्वसु जिससे दुर्वसु वंश चला। यादव वंश यह चंद्रवंश की एक सबसे बड़ी शाखा है और यही वह शाखा है चंद्रवंश की जिसमें महान कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। चंद्रवंश से बहुत सारी शाखाएं निकली, जैसे चंद्रवंश, पुरुवंश, हरिद्वार वंश, कुरुवंश आदि आदि। यह एक वंशावली है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूर्यवंश से और चंद्रवंश से अनेक सारी शाखाएं बनी, जिसको कि आप टेलीग्राम चैनल पर आप जो देख सकते हैं, मैंने वहां पर इससे संबंधित जानकारी शेयर कर दी है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वंश क्या होता है,
तो आज और अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं और ऑल वीडियोज पर सेट करें, जिससे मैं अगला वीडियो जब भी डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले और आप हमारा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।